बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू सबा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में नए वीडियो में आप तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे, अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। नौजवान गोरे, चमकते, बेदाग और टाइट हाथ हर किसी को पसंद होते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कैसे। अगर आपके हाथ बहुत ज्यादा खूबसूरत हों, गोरे चिट्टे हों, चमकदार हों, कोई दाग धब्बा नहीं हो, तो देख देख कर आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता रहता है। अगर आपके हाथ उम्र से पहले ही बूढ़ों के जैसे दिखने लगे हैं तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मजीद परेशान होने से आपके हाथ और भी ज्यादा बूढ़े दिखाई देंगे। तो आपको परेशानी छोड़कर हमारी वीडियो को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और सबर के साथ देखना है, क्योंकि वीडियो खत्म होते ही आपको मिलेगी एक ऐसी टिप जिसके इस्तेमाल से आप अपने बूढ़ों जैसे दिखने वाले हाथों को ख्वाबों से हकीकत में बदलता हुआ खुद देखेंगे। यकीनन ना हमेशा आप अपनी दवाओं में हमें याद रखेंगे। तो देर न करते हुए आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ एक नाइट क्रीम शेयर करेंगे, जिसे घर पे बहुत आसानी के साथ आप बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट आपके घर पे अवेलेबल होंगे। बहुत सस्ते में आपकी ये क्रीम बनने वाली है, जिसको मेल एंड फीमेल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने हाथों को बहुत ज्यादा खूबसूरत और बेदाग गोरा चिट्टा बना सकते हैं। तो सबसे पहले मार्केट में बिकने वाली ब्लीच क्रीम का जो पैकेट होता है, इसके पाउडर को आपने वेस्ट कर देना है और इसकी जो क्रीम है वो आपने आधा चम्मच ऐड कर लेनी है। आधा चम्मच आपने इसमें ऐड करना है जैतून का तेल, जो कि हमारे हाथों से छोटी छोटी झुर्रियों रिंकल्स को खत्म करने में बहुत ज्यादा हेल्प देता है। तीसरे नंबर पे हमने इसमें आधा चम्मच ही मिलानी है ग्लिसरीन, जो आपके हाथों से हर तरह के दाग धब्बों को रिमूव करेगी। उसके बाद हमें व्हाइटनिंग भी चाहिए होगी, तो तेजी से व्हाइटनिंग हाथों को देने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ नाज एमरजेंसी स्किन व्हाइटनिंग सीरम। आपको मार्केट में बहुत सारे स्किन व्हाइटनिंग एमरजेंसी सीरम्स मिल जाते हैं, जो क्रीम आपने बनाई होती है उसके 10 गुना तक रिजल्ट्स को बढ़ा देते हैं। तो 15 से 20 कतरे हमने इसमें एमरजेंसी व्हाइटनिंग सीरम के ऐड करने हैं। उसके बाद आधा ही चम्मच लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे बादाम का तेल, जो नेचुरली आपके हाथों को ग्लो देगा, चमक देगा और सर्दियों में जो आपके हाथ बहुत ज्यादा डल दिखाई देते हैं, खुरदरे, बेरौनक दिखाई देते हैं, उनको बहुत प्यारा, खूबसूरत, नर्म, मुलायम, प्लम्पी दिखाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आधा चम्मच मैंने ऐड किया। फाइनली तमाम चीजों को तब तक आपने मिक्स करना है जब तक कि तमाम ऑयल्स क्रीम के अंदर अच्छे से जज्ब हो जाए। मिक्स करने के बाद कंटेनर में इस क्रीम को डाल के फ्रिज में रखें या रूम टेम्परेचर पे रखें, इट्स अप टू यू। दोनों सिचुएशन में ये बिल्कुल भी कभी भी खराब नहीं होगी। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इस क्रीम को रात सोने से पहले अपने हाथों के ऊपर आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करके 5 मिनट के लिए अपने हाथों को स्मूथली बहुत प्यार से नरमी के साथ आपने मसाज देना है, इस तमाम क्रीम आपके हाथों के अंदर अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। यहाँ पे एक पॉइंट और आपके साथ शेयर कर दूं कि ये क्रीम आप अपने पैरों के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से अपने हाथों पे 5 मिनट का मसाज करिए, सारी रात के लिए आप इसको छोड़ दें। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मैसेज आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगी कि अगर आप दोस्त मेरी पर्सनल हैंड व्हाइटनिंग नाइट क्रीम अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर रब्ता करके आप इस क्रीम का ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। इंशाल्लाह क्रीम आपके घर पे ही पहुंच जाएगी। मेरे पास ऐसी बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि हाथ तो गोरे हो जाते हैं लेकिन हाथों के नकल्स जो है वो डार्क रह जाते हैं। अगर आपके हाथों के जोड़ बहुत ज्यादा काले हैं, स्याह हैं, खुरदरे हैं, बेरौनक हैं, तो आप इनके ऊपर इस क्रीम का इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह आपके हाथों के साथ साथ अपने हाथों के जोड़ों को भी आप फेयर करेंगे। अगर ये क्रीम आपके हाथों के नेल्स के ऊपर भी अप्लाई हो जाती है तो भी किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि नेल्स के ऊपर येलो कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं, नेल्स के ऊपर जो दाग पड़ जाते हैं उनको भी रिमूव करेगा और आपके नेल्स को भी बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाएगा। मसाज करने के बाद सारी रात के लिए आप इसको लगा रहने देंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको बता देते हैं कि इस क्रीम को आप रूम टेम्परेचर पर या फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, ये कभी भी खराब नहीं होगी, तो आपकी काफी महीनों तक चल जाएगी। उसके बाद अपने मॉर्निंग में अपने हाथों को नीम गर्म पानी के साथ वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपको अगर जरूरत महसूस हो तो आप सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं रहेगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेमेडी से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और इंशाल्लाह इस्तेमाल जरूर करेंगे। हमारे साथ फीडबैक आपने जरूर शेयर करना है, ताकि नए आने वाले दोस्त आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट्स को रीड करें और उनको भी हौसला हो और वो भी इस चीज को बना के इस्तेमाल करें और बहुत ज्यादा फायदा हासिल करें। चलते हैं हम अपने आज के लेसन की तरफ। लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि दुनिया में वही लोग सरबुलंद रहते हैं जो तकब्बुर के ताज को दूर फेंक देते हैं। इस लेसन पर गौर करिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज।